स्टूडेंट, मेरा नाम सूरजमल। कैसे हो बच्चे स्टूडेंट? मुझे उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। हमें एक्सरसाइज 6.2 नाइन्थ क्लास कराने जा रहा हूँ इस लेक्चर में। इससे पहले सारी बेसिक चीज थ्योरम मैंने प्रूव कर रखी हैं, उनको डीपली पढ़ दोगे तो आसानी से क्वेश्चन हो जाएंगे, बिल्कुल एकदम बढ़िया तरह, एकदम ऐसे डीपली। ओके, तो 6.2 एक्सरसाइज करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर वन, एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर वन, इसमें दिया ए बी। देखो क्वेश्चन नंबर, ये लाइन ऐसे कट कर रही है, इसमें 30 डिग्री का एंगल है, ए बी डी सी, वो 130 का है, ये वाई है, ये एक्स है, ठीक। तो इसमें गिवन क्या है? ए बी सी डी आर लाइंस हैं, ठीक है। इसमें क्या पूछा है? फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स वाई, देन सो दैट। अब देखो 30 + x कितना होता है? 180। ये लीनियर फेयर है ना भाई, लीनियर फेयर, ये लीनियर फेयर, एक्स इज कितना? 180 -30 डिग्री, 150। सिमिलरली ऐसी वाई जेड कितना है? 180। ये वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होते हैं? वर्टिकल अपोजिट एंगल होते हैं। अच्छा एक्स कितना है? 130। एक्स वाई कितना? 1। फिफ्टी है, फिफ्टी कितना है? 50, सॉरी ये 50 है, कितना है? 50 कितना है? 130 आया, कितना है? 130। अब दोनों सेम है, सेम है, तो एक्स इज टू किसके? वाई के। तो इसलिए ए बी पहले कितना हुआ? सी डी, वी गेट, और क्या पाया? देखो एक्स वाई की वैल्यू 130 है, एक्स की वैल्यू 130 है, दोनों सेम हुए नहीं हुए? जब ये दोनों सेम हुए तो आल्टरनेट एंगल हुए नहीं हुए? तो आल्टरनेट इंटीरियर और क्या है? इक्वल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का क्या है? इक्वल। समझ आ गई ना? कि किले फंड हो गया, ठीक है, समझ आ गई ना? कि ये इक्वल आ गया, ये क्वेश्चन हमारा पहला हो गया। अब दूसरा देखिए, आसान था, बहुत ही था। इनका का समान एट्टी होता है, एक्स वैल्यू आ गई, इनका वर्टिकल अपोजिट एंगल होता है, एक्स बराबर वाई आ गया, तो हमें कह सकते हैं पैरेलल है, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा? सेकंड क्वेश्चन नंबर सेकंड, ए बी पैरेलल सी डी, ये गिवन है। ठीक, गिवन ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ए बी सी डी ई एफ,
एक्स वाई जेड से रखा, ठीक है जी, ए बी से पैरेलल है, फाइंड करना है ए बी पैरेलल सी डी, और सी डी पैरेलल ई एफ, इसलिए ए बी पैरेलल ई एफ, तीनों पैदल हो गई। ये क्या है, एक्स वाई जेड, ये एक्स है, ये वाई है, ये क्या है जेड, समझ आई ना कि पॉइंट। अगर ये इसके पैदल है और ये इसके पैदल, तो इसके पैदल होगी, समझ आई ना कि थोड़ा ये 6.6 इसमें, ओके समझ आ गई। तो देखिए एक्स रेशो, सॉरी ये दिया है वाई रेशो जेड, टू रेशो थ्री, ये गिवन है, ठीक है, टू थ्री रेशो सेवन, सॉरी थ्री रेशो सेवन, तो वाई जेड कितना आ जाएगा, थ्री ए, और जेड जो आएगा सेवन ए, तो एक्स किसके बराबर आएगा जेड के, क्योंकि क्या होना अल्टरनेट बनेगा ना उनका, देखो ये एंगल इसके इक्वल है, तो एक्स किसके इक्वल है जेड के, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आ इक्वल हो गए, तो एक्स की वैल्यू कितनी है, जेड की वैल्यू कितनी, जेड की वैल्यू सेवन ए, अब एक्स प्लस वाई इजिकल कितना है 180, क्यों है, क्यों है सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, सेम साइड ऑफ पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड, ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल लाइन्स इज सप्लीमेंट्री एंगल, इज सप्लीमेंट्री एंगल, एक्स कितने का दे रखा है सेवन ए का, प्लस ये कितना दे रखा है वाई कितना, वाई थ्री ए का इजिकल टू 180, टेन ए इजिकल टू कितना आया 180, ए इजिकल टू 180 अपॉन 10, 18 डिग्री आया नहीं, 18 डिग्री आया, कितना आया 18 डिग्री, तो 18 डिग्री आया तो एक्स इजिकल कितना आएगा, इसमें फाइंड क्या करना है, एक्स एक्स कितना आया, एक्स सेवन ए, तो सेवन इंटू 80 126 आंसर आया, ठीक है, तो समझ आ गया, फिर दोबारा सुन लो, ये जेड बनना, एक्स किसकी इक्वल है जेड की, वाई इक्वल टू थ्री एक्स, थ्री ए हो गया, और जेड इक्वल टू सेवन ए, देखो एक्स इक्वल क्या, एक्स इक्वल टू जेड, अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एक्स इक्वल टू कितना सेवन ए, अब एक्स प्लस वाई इक्वल टू 180, एक्स इक्वल टू सेवन ए, वाई इक्वल टू कितनी है थ्री ए इजिकल टू 180, ये होगा टेन ए, टेन का इसमें डिवाइड कर दिया, क्लियर हो गया, एक एक चीज स्टेप स्टेप समझ आ गई हो, बड़े इंटरेस्ट, देखो मतलब थ्योरम मैंने प्रूव कर रखी है, दिस प्लस दिस 180 होता है, सीधी बात है, इसे कहते हैं पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन इज 180, ये पॉइंट क्लियर कर लेना, एक एक चीज, ज्योमेट्री बड़ी तगड़ी होती है, इसको सीख लो, पॉइंट क्वेश्चन होगा, कौन सा क्वेश्चन कराएंगे हम, थर्ड, किधर हो गया, थर्ड क्वेश्चन समझ आएगा, बहुत डीपली गहराई करा रहा हूँ, अब क्वेश्चन नंबर है थर्ड, थर्ड
थर्ड क्या कहता है देखिए, थर्ड जी है, ये एफ है, ये बी है, ए है, ये क्या सी ई डी, ठीक यून क्या ये भी पहले सी डी, ये भी पहले सी डी, ये परपेंडिकुलर कितना है सी डी का, और एंगल जी ई डी कितना दे रखा है 127, ये दे रखा 127 6 जी ई ये वाला टी, ठीक है फाइंड क्या करना है, ए जी ई जी ई एफ, ए जी ई एक तो ये फाइंड करना है ठीक, और ये करना है ए जी ई और जी ई एफ, जी ई एफ ये फाइंड करना है ठीक है जी। एक करना है आपको एफ जी ई, एफ जी ई ये फाइंड करना है जो इंसान आ गया ठीक है। हमें कहा था देखिए वन टू डालो चाहे नाम डालो कोई फर्क नहीं पड़ता ठीक है। तो देखो एंगल ए जी ई, ए जी ई और जी ई डी, जी ई डी होता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, जेड बनने बनना देखो ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये एंगल कितने का है ए जी ई इजिकल टू कितना है 126, एक आंसर दिया आ गया ठीक है। अब दिस प्लस दिस कितना था 180, ए जी ई प्लस ई जी एफ 180, इन अपेयर एंगल्स ए जी कितने का दे रहा है, ए जी 126 ई जी एफ 180, ई जी एफ 180 माइनस 126 कितना आया 4 7 54, क्लियर हो गया। तो ए जी ई और ई कितना आया ई जी एफ, ये आगे था आगे ना आगे। अब हमें निकालना है ये एंगल, इसमें एंगल देखो ये प्लस एक कितना होता है जी, चाहे ले लो एफ ई जी, एफ ई जी ये वाला एंगल प्लस ये वाला ई सॉरी एफ एफ ई डी इजिकल टू कितना आता है 180, ये कितना आता है एफ ये कितना आता है 126, 126 दे रखा ना, दे रखा है ये प्लस ए कितना एफ ई जी प्लस 90, एफ ई जी 120 माइनस 90 कितना आया 36 आया, समझ आएगी ना कि देखो ये एंगल इसके इक्वल है और इन दोनों का 180 होता है, लीनियर फेल नहीं बनेगा जो देखो ये माइनस करते हैं 4 गुना 54 आया। और देखो दिस देखो ये पूरा एंगल यहाँ तक कितना है दिस प्लस दिस है ये यहाँ आ गया, ये 90 का है अकेला, समझ आएगी ना कि ये क्वेश्चन में कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 पी क्यू आर एस टी,
क्यू आर एस टी पी क्यू आर एस टी ये दिया 110 का, ये दिया 110 का, 130 फाइंड ये पूछा है, फाइंड ये पूछा है। अब देखिए ड्रॉ, ए बी पैरेलल, पी क्यू थ्रो ए थ्रो आर, एक लाइन खींचे ऐसे में, हाँ ए इसका नाम क्या है, बी ए भी खींचा भी जाएगी, इधर हो गया। अब इनका सब कितना होता है, वन डाल दो इसको, नाम डाल दो टू। अब पी की उसके पहले ए भी, ए भी के तो देखो 110 प्लस एंगल वन इजिकल टू कितना होता है, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन, सेम साइड ऑफ क्यू आर, सेम साइड ऑफ क्यू आर, एंगल वन कितने का आया, 180 माइनस 110 कितना है, 70 का, कितना आया 70। अब देखो जेड बनना है, एस टी किसके पैरेलल है, ए वी के, क्योंकि देखो ये जेड बना, देखो ऐसे ऐसे ये अल्टरनेट इंटीरियर, इसका नाम है एस आर ए इजिकल टू आर एस टी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये कितना एंगल, वन प्लस एंगल टू इजिकल टू 130, एंगल वन कितना है 70 प्लस टू, एंगल टू की वैल्यू आ गई 130 माइनस 70 60 आ गया, समझ आ गई ना। आ गई देखो इनका समझ, तो 70 आ गया, 70 प्लस टू इजिकल टू 130, तो 70 110 में से 130 में से मानेंगे तो 60 बचा, आगे ना आ गया ये आराम से समझ आया, क्लियर एकदम समझ आ गई, बहुत अच्छे से समझ आई होगी। ओके समझ आ गई ना, बिल्कुल इसे मिटा देता हूँ, अगला क्वेश्चन कर देता हूँ। क्वेश्चन कौन सा था, थर्ड और फोर्थ क्लियर हो गया। अगर इसमें ऐसी लाइन जैसी दे रखा है तो इसमें एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं हम, ताकि पैरेलल, देखिए पैरेलल है तो इसका 180 होता है, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन 180, ये थ्योरम मैंने प्रूव करा रखी है, ठीक है समझ आ गई। आराम से कराम बजलदाजी कोई चक, बिल्कुल धीरे धीरे समझ समझ गया। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 हो जाएगा, 5 क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, ए बी पैरेलल सी डी, ए बी पैरेलल सी डी पी क्यू आर सी और क्या डी, ए पी क्यू, ए पी क्यू 50 का है, देगा 50 का, ये कितने का है, ये कितना है 127, 127 ठीक। एक्स और वाई ठीक, फाइंड एक्स वाई पूछा है,
ए भी किसके पैरेलल है, पैरेलल किसके है, सी डी के। और देखो जेड बनने नहीं बनना, देखो ऐसे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनना, देखना बनना नहीं बनना है, एंगल ए पी क्यू, पी क्यू आर, आ गया ना, आ गया ठीक है। अब देख ये जेड वन नाइन वन, देखो ये ऐसे ये ऑल्टरनेट पूरा एंगल, ये बराबर एंगल, ये पूरा यहाँ तक, और ये इसको लिखेंगे ए पी आर, पी आर डी ऑल्टरनेट एंगल 50+y, 50 + y = 127 - 50 कितना आया, 120, कितने का आया 70 का आया, 77 सॉरी 77 आया, ठीक समझ आई ना कि ये अल्टरनेट एंगल हो गया, 150 आ गया, और इन दोनों का सम इक्वल कितना बन गया 127, यहाँ से 77 आ गया। ये एक्सरसाइज होगी तुम्हारी 5 क्वेश्चन, सॉरी एक्स 6.2, ये 6.2 क्लियर होगी तुम्हारी, 5 क्वेश्चन है ये इनको करा दिया। छठे क्वेश्चन कोर्स में नहीं, इसलिए करने की जरूरत बिल्कुल नहीं, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर है आपके, तो वीडियो समझ आ गई हो लाइक एंड शेयर करें और बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो तुम्हें जल्द से जल्द मिल जाए। सारी वीडियो डालूंगा मैं चैप्टर बाई चैप्टर, ठीक। आप जो 6.3 के लिए जो थ्योरम है, दो थ्योरम, वो मैं प्रूव कर देता हूँ, इसके बाद नहीं एक्सरसाइज स्टार्ट कर देता हूँ, आज चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। क्लियर पॉइंट हो गया, चलो समझ आ गई ना कि पॉइंट पॉइंट क्लियर रहोगे, एक से एक से बढ़िया। मेहनत करो, आगे बढ़ो, यही टीचर की दुआ बच्चों के लिए, और खुश रहो, भविष्य को अच्छे कर्मों से सींचो ताकि आने वाले भविष्य तुम्हारा एकदम चमकदार हो, ठीक। आगे क्वेश्चन करने जा रहे हैं, थ्योरम है आपकी 6.7, थ्योरम 6.7, सम ऑफ थ्री एंगल, सम ऑफ थ्री एंगल, सम ऑफ थ्री एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180, ये प्रूव करना है, गिवन करने जा रहा हूं मैं, दोनों थ्योरम करूंगा मैं, ये दिख रहा है ए बी सी, एंड ट्रायंगल ए बी सी दिख रहा है, एंगल ए एंगल बी एंगल सी, तो प्रूव करना है आपको एंगल ए प्लस एंगल बी एंगल सी कितना 180। कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन करेंगे, ऐसे ही लाइन खींचेंगे ऐसे, जो पी क्यू, ड्रॉ पी क्यू पैरेलल बी सी थ्रू ए, ड्रॉ पी क्यू बी सी थ्रू ए, ठीक है पैरेलल खींची, प्रूफ क्या करें, प्रूफ करने जा रहा हूँ, ये थ्री एंगल है, देखो एंगल ये बी सी और ये एंगल वन, इसको डाल लो वन, इसको डाल लो टू,
अब देखिए, क्योंकि इसके पैरेलल है बी सी के, तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल वन होगा, अल्टरनेट फर्स्ट अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल टू, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, फर्स्ट एंड सेकंड, बी प्लस सी जो था इस तरह से समझ गए, कुछ समय थोड़ा मेरे पास बढ़िया समझ आएगी ना, कि एंगल वन प्लस एंगल ए प्लस एंगल टू इजिकल टू कितना होता है 180 लीनियर पेयर, सॉरी स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल होगा, वन किसकी इक्वल है, वन पी के, ए चली जा है, टू किसकी इक्वल है सी के, वन वा फिर दोबारा समझ लो, ये पैरेलल है, ये इसकी इक्वल है अल्टरनेट एंगल, ये इसकी इक्वल है अल्टरनेट एंगल, अब तीनों का सम कितना होता है दिस प्लस दिस प्लस दिस 180, वन की जगह रख दो आप बी, टू की जगह रख दो सी, तो ए ए बी सी तीनों सम आ गई, आंसर आ गया, इधर हो गया। और थ्योरम कौन सी है, एक थ्योरम और इसमें सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल, तो 6.8 थ्योरम, थ्योरम 6.8 थ्योरम क्या कहती है, 8 point थ्योरम, इफ ए साइड ऑफ ट्रायंगल इज प्रोड्यूस तो देन एक्सटीरियर एंगल आर फाउंड इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू अपोजिट एक्सटीरियर एंगल, अपोजिट एक्सटीरियर एंगल गिवन ए बी सी ए बी सी एंगल ए इतना इंटीरियर एंगल है, ये क्या एक्सटीरियर एंगल, क्या ये इंटीरियर एंगल, ये क्या इंटीरियर एंगल, ये कौन सा एक्सटीरियर एंगल, ये दिख रहा है इंटीरियर एंगल कौन सा, और भी एक्सटीरियर कौन सा है ए सी डी, ठीक है तो प्रूव करना एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू एंगल ए सी डी, ये प्रूव करना, ठीक है प्रूफ करते हैं, प्रूफ बहुत आसान है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल वन 180 होता है, सम ऑफ थ्री एंगल 180, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी, अरे तीनों का सम 180 होता नहीं होता है, जैसे तो एंगल सम प्रॉपर्टी बोलते हैं, एंगल ये कितने का है, ठीक है एंगल, और एंगल वन प्लस एंगल ए सी डी कितना आएगा 180, फर्स्ट ये सेकंड, क्यों ये लीनियर पेयर है, कितना है लीनियर पेयर, अब फ्रॉम किससे दिखना है फर्स्ट एंड सेकंड, आइए दोनों सेम अलग अलग हैं तो दोनों ही को रख दो, एंगल ए
एंगल सी एंगल बी प्लस एंगल वन इजिकल टू एंगल वन प्लस एंगल ए सी डी, जो वन से वन कट गया, एंगल ए प्लस एंगल बी इजिकल टू एंगल ए सी डी, प्रूव हो गया ना, हो गया। इन दोनों का सम बाहर बड़े बराबर, फिर दोबारा सुन लो, दिस प्लस दिस प्लस दिस 180, और दोनों का सम दिस प्लस दिस 180। अगर दोनों इक्वल हैं तो ये दोनों इक्वल लिख दिया मैंने, वन से वन कैंसिल हो गया, एंगल ए प्लस एंगल ए ए सी डी, ए सी डी एक पॉइंट पॉइंट की दे रहा होगी। ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 6 पॉइंट कौन सी एक्सरसाइज है, 6.3 एक्सरसाइज इससे ही होगी पूरी, इसमें 6 क्वेश्चन है, कितने 6 क्वेश्चन, टाइम तो लगेगा करने में, ठीक। कौन सी है 6.3 एक्सरसाइज, तो इसके लिए इधर पॉइंट हो गया आगे। स्टूडेंट तो हमने ये 6.3 के सारे टॉपिक जो थ्योरम इंपॉर्टेंट करा दी, ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट, सम ऑफ द 3 एंगल 180, एक तो इधर नहीं करना है, एक करना है सम ऑफ 2 इंटीरियर एंगल, इनका सम इसके इक्वल होता है, ये दोनों थ्योरम 6.3 एक्सरसाइज में यूज होंगी, ठीक है, और बड़े बेसिक तरीके से यूज होंगी। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में ये 6.3 एक्सरसाइज कराऊंगा और इसमें 2-4 एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराऊंगा, इसलिए ठीक है आने वाली वीडियो का इंतजार करो, और मैं यहीं पे फिनिश करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, बाय।